अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सचिन और सीमा हैदर से जुड़ी हुई। दोनों की मुश्किलें दरअसल बढ़ गई हैं। शादी करने वाले पंडित को कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। दोनों की ओर से शादी रची गई थी एक साल पूरा होने पर, और वकील मोमिन मलिक की ओर से इस पर याचिका दाखिल की गई। जिस पंडित ने फेरे करवाए थे उस पंडित को नोटिस जारी हो गया है। जिला न्यायालय की फैमिली कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया। फैमिली कोर्ट ने शादी करने वाले पंडित को समन जारी कर दिया है। शादी की सालगिरह मनाई गई थी, दोनों की ओर से मनाई गई शादी की सालगिरह को चुनौती दी गई है। सीमा हैदर के नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाए गए हैं इस याचिका में। मामले की सुनवाई 27 मई को होगी, यानी कि मुश्किल बढ़ गई है, बढ़ने वाली आगे आने वाले दिनों में सीमा और सचिन की। शादी करने वाले पंडित को कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। अपनी पहली सालगिरह पर दोनों ने शादी रचाई थी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूरी, और इसको लेकर फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर शादी करवाने वाले पंडित को समन जारी किया गया है। सीमा हैदर के नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामले पर सुनवाई 27 मई को होगी। पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ आई सीमा हैदर अब यहीं पर पूरी तरह से बस चुकी हैं। सचिन और उसके परिवार के साथ वो रहती हैं, और अब मुश्किलें लगातार सीमा हैदर की एक के बाद एक अलग अलग मामलों में बढ़ी है। हिंदू रीति रिवाज पूरी तरह से अपनाए हैं सीमा हैदर ने, हम सबने देखा है अलग अलग मौकों पर, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं सीमा हैदर की, किस तरह से हिंदू जो त्यौहार हैं वो सीमा हैदर मनाती है। और अब पंडित जिसने शादी करवाई थी शादी की सालगिरह पर एक साल पूरा होने पर उसको नोटिस जारी हो गया है। महेंद्र माही इस पर जुड़ गए मेरे साथ, हमारे संवाददाता महेंद्र माही, क्या है ये पूरा मामला, पंडित को नोटिस क्यों जारी हो गया है? ये जो सीमा हैदर है और जो सचिन है, उन्होंने कुछ देर पहले ही हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी की थी और एक तरीके से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, जिसमें जो वकील है सीमा हैदर के एपी सिंह मौजूद थे, और जो पंडित थे जिन्होंने शादी करवाई थी, और जो नेत्रपाल सिंह यानी कि जो सचिन के पिता है वो वहां मौजूद थे। सभी को कानूनी नोटिस भेजा गया है जो गुलाम हैदर उनके वकील द्वारा। अब लगातार ये मामला पेचीदा इसलिए होते जा रहा है क्योंकि अब इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी को कोर्ट में घसीटा जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जो गुलाम हैदर का वकील है मोमिन मलिक, उसने सीमा हैदर, सचिन, नेत्रपाल सिंह, इन सभी को 156(3) के तहत कोर्ट से नोटिस जारी करवाया था। 18 तारीख को सुनवाई है, यानी कि 18 अप्रैल को उसमें सुनवाई है, मगर उसके बाद एक और जो नोटिस है मोमिन मलिक ने सीमा, सचिन और नेत्रपाल और उसके पंडित को भिजवा दिया गया। पूरा का पूरा मामला कोर्ट में अब जा रहा है, बताया जा रहा है। जब हमारी बात हुई मोमिन मलिक से, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो सीमा हैदर है, जो नेत्रपाल सिंह है और जो सचिन है, जो अपने आप को सीमा का पति बता रहा है, और जो एपी सिंह है, उन्होंने गलत तरीके से शादी करवाई, दिखाना चाहते हैं कोर्ट में कि किस तरीके से हम हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हम रह रहे हैं, और शादी को ये दर्शाएंगे एविडेंस के तौर पे कि अब हम एक पूरे तरीके से अब हम भारतीय हो चुके हैं, भारतीय परंपरा के मुताबिक हमने शादी की है, बच्चों ने वहां मौजूद थे, बच्चों का धर्म परिवर्तन की बात मोमिन मलिक ने की, जबकि वो कह रहा है कि अभी जब मामला कोर्ट में है तो आप इस तरह का कोई स्टंट नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ सीमा हैदर का साफ तौर पर कहना कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक नोटिस आ जाए, चाहे दो नोटिस आ जाए, मैं हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक ही भारत में रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो गुलाम हैदर का जो वकील है वो केवल ये स्टंट कर रहा है। वही हमारी जब एपी सिंह से बात हुई, यानी कि जो सीमा हैदर का वकील है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे नोटिस का जवाब हम न्यायालय को देंगे, जरूर देंगे, और जो सुनवाई होनी है मई में 27 मई को, उसमें वो सभी को पेश होना होगा। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जो सीमा हैदर है और जो सचिन है, उसको बार बार ये धमकी मिल रही थी कि जो गुलाम हैदर है वो भारत आएगा, अपने चार बच्चों को अपने साथ ले जाएगा, चाहे धर्म परिवर्तन की बात करे या गुलाम हैदर को आने की बात करे, तमाम चीजों को लेकर बार बार कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच आपको बता दें एक और वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये देखा जा रहा है, तो सीमा हैदर है रघुपुरा क्षेत्र, यानी जिस इलाके में रहती है, जिस कस्बे में रहती है, बताया जा रहा है कि वहां भी वो बीजेपी का यानी कि प्रचार कर रही है, जिसमें वो कह रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप योगी जी को वोट दीजिए, पीएम मोदी जी को वोट दीजिए, इन तमाम चीजों को लेकर बिल्कुल लगातार कोशिशें सीमा हैदर की ओर से भी ये दिखाने बताने की कि यहीं पर अब वो रहना चाहती है, हिंदू रीति रिवाज जो पूरा धर्म है उसने अपना लिया है। आप बने रहिए महेंद्र माही मेरे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मुश्किल देखिए सीमा और सचिन की बढ़ सकती है। गुलाम अली के वकील मोमिन मलिक का बयान आया है, कागजों में आज भी सीमा गुलाम हैदर की पत्नी है। गुलाम हैदर के वकील की ओर से कहा गया किस आधार पर सीमा सचिन की पत्नी हो गई, सीमा को सचिन की पत्नी कहना गलत है, ये वकील मोमिन की ओर से कहा गया, एक बार सुनवाते हैं आपको।
आपकी सदार पर गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर को आप सचिन वीना की वाइफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दुनिया के देश के सामने आप जो है सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए और किस आधार पर आप उसकी वाइफ बता रहे हैं, हमें दिखाइए वो अदालत की डिग्री जिसमें डिवोर्स हुआ हो। तो उसको उनको भी हमने पार्टी बना था। तो डॉक्टर ए पी सिंह को भी फैमिली कोर्ट ने तलब कर लिया है, ये नोटिस जारी है। उसके अलावा जो पंडित जी थे जिन्होंने फर्जी फेरे कराए थे बिना जांच पड़ताल किए, बिना ये देखे कि भाई ये कहाँ की नागरिक है, यहाँ इलीगल रूप से रह रही है या लीगल रूप से रह रही है, इसका तलाक हुआ है या नहीं हुआ, आनन फानन में पैसों के लालच में और सचिन के बहकावे में आकर, उसके फादर के बहकावे में आकर, डॉक्टर ए पी सिंह के बहकावे में आकर के गलत फेरे कराए थे, उनको भी हमने पार्टी बनाया था, जिनको माननीय न्यायालय ने तलब कर लिया है, ये उसका लीगल नोटिस है। अब देखिए, हमने एक पटिशन फाइल की थी गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट में, जो कि सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, उनके मुंह बोले भाई डॉक्टर ए पी सिंह के खिलाफ और उन तमाम बरातियों के खिलाफ जो फर्जी बराती इसमें फर्जी एनिवर्सरी में शामिल हुए थे, उनको हमने एक केस में सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और सेक्शन 6 अनलॉफुल कर्जन एक्ट के तहत एक मुकदमा फाइल किया था, जिसे ऑनरेबल न्यायालय ने हमारी दलीलों को सुनने के बाद हमारी याचिका को स्वीकार किया था और स्वीकार करने के बाद आज उस केस में नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें सीमा हैदर को, देखिए आप देखेंगे, ये आप अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि सीमा हैदर को कोर्ट ने तलब कर लिया है और सीमा हैदर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होती है तो एक तरफा सुनवाई होगी। सीमा हैदर को माननीय फैमिली कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, तलब कर लिया है कि आप बताइए कि कहाँ आपकी शादी हुई, कैसे हुआ, जो जो हमने उनके ऊपर केस डाला था, जो पॉइंट्स लिखे थे उनका जवाब उनसे तलब कर लिया है कि वो खुद पेश हो और ऑनरेबल कोर्ट में जवाब दें। तो ना सिर्फ पंडित, ना सिर्फ ए पी सिंह जो कि सीमा और सचिन के वकील हैं, ना सिर्फ सचिन के पिता नेत्रपाल, बल्कि बारातियों को, शादी को, इस पूरे फेरों, उन सभी फेरों को और जो रीति रिवाज वहां पर महेंद्र माही हुए उन सबको फर्जी बता रहे हैं हैदर के वकील जो हैं मोमिन। अब आगे क्या होगा, क्या सीमा हैदर को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, चूंकि फैमिली कोर्ट में याचिका बाकायदा दाखिल की गई है, नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन का भी जिक्र इसमें किया गया है। तो मोमिन मलिक आरोप लगा रहे हैं सचिन सीमा पर कि वो शादी कर रहे हैं, जबकि इसमें यह भी एक हथकंडा अपनाया गया है कि जो एपी सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सीमा हैदर को भारत आए हुए 1 साल हो गए कि इसी के दौरान वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये कोर्ट में जाते हैं, एपी सिंह जाते हैं और सीमा हैदर जाते हैं, सचिन जाते हैं और नेत्रपाल और पंडित जाते हैं, तो वो ये अपना पक्ष रखेंगे कि हमने शादी नहीं बल्कि हमने अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट किया था, जो कि हिंदू रीति रिवाज में एक दूसरे को शादी करवाई जाती है, वरमाला डाला जाता है। तो मुझे लगता है ये वो अपनी दलील, अपना जो पक्ष है वो कोर्ट के आगे रख सकते हैं। जो मोमिन मलिक, मैं उनका बयान सुन रहा था, इससे पहले भी जो मोमिन मलिक ने सीमा हैदर और उसके पूरे परिवार पर 156(3) के तहत याचिका डाली थी सूरजपुर कोर्ट में, जिसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था और 18 अप्रैल यानी कि कुछ दिन बाद उस पर सुनवाई होनी है। और इसके साथ ही साथ वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन कैसे कर दिया गया, जबकि अभी जो गुलाम हैदर है उसकी तरफ से कोई डिवोर्स नहीं दिया गया, कोई तलाक नहीं दिया गया, जबकि इस पे जो सीमा हैदर बार बार ये कह रही है कि मैंने और उनका जो तलाक हो चुका है, मैंने उनको कई बार 3 तलाक कह दिया है। मगर सारा दावपेच अब कोर्ट के फैसले पर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो मोमिन मलिक है अब सीमा हैदर और सचिन और उसके पूरे परिवार को कोर्ट में घसीट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीमा की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ने वाली है और जो उनके पिता है नेत्रपाल उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली, पंडित जिन्होंने शादी करवाई यानी कि जो उस शादी में या ये कहें एनिवर्सरी में शामिल थे, जिन्होंने पूरे हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक यहाँ मंत्र पढ़े, उनको भी अब कोर्ट में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा, अपनी सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि किसके कहने पे वो शादी में आए, क्या उनको बताया गया था, क्या शादी के लिए बताया गया था या कुछ और बातें, तमाम चीजों को लेकर जब 27 तारीख को सुनवाई होगी उस दौरान कोर्ट अपना फैसला रखेगा। मगर इस केस में ज्यादा कोई, अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही सीमा हैदर और जो उसके वकील, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने शादी को एक तरफा कर दिया था, मगर शादी सालगिरह कर दिया था यानी कि वो उन्हें भारत में आए हुए 1 साल हो गए, तो उसके साथ ही वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा महेंद्र माही, फिलहाल इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया।